जम्मू कश्मीर जुडिशियल सिविल सर्विस का 3 तारीख को रिजल्ट आता है और जिसमें लगभग 69 के करीब 69 के करीब जो है वो कैंडिडेट पास आउट होते हैं। वहीं बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो ऐसे जजेस साहिबान हैं जिन्होंने हाल ही में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और अपना अपने परिवार के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन किया। विकास जी है और आकांक्षा जी हैं और कोइंसिडेंट है इनका नंबर 36 है, रैंक है और इनका 37th है। क्या कुछ तैयारियां की इन्होंने, क्या कुछ हार्ड वर्क रहा इनका, जानने की कोशिश करेंगे। तो सर विकास जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे देखते हैं जब एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, अब जज साहब बन गए आप? बहुत खुशी होती है जी, सारे गांव में स्टेट में एक खुशी का माहौल होता है कि आप गाँव से उठ के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अपना हार्ड वर्क, इंस्टीट्यूट की गाइडेंस, बड़ों का आशीर्वाद, बहुत सारे फैक्टर्स मिला के तो इस मुकाम तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा खुशी है। गांव का 2-3 बार जिक्र किया आपने, गांव से हैं? हाँ जी। कौन सा मेंशन करें, कौन से गांव से? गांव का नाम मुट्ठी मेहरा जी, जी जी जोड़िया तहसील में। जी जी हाँ जी। तो कैसे वहाँ पे खुशी अभी सेलिब्रेट की जा रही है ढोल नगाड़ों के साथ? हाँ, ढोल नगाड़े जी, सारे गाँव में खुशी की लहर है। वहाँ से पहला जज बना है कोई, कौन है वो? हाँ जी, कोई कौन है वो? हाँ जी, मैं ही हूँ। तो खुशी की लहर है वहाँ पे कि कोई गांव से उठ के भी यहाँ तक पहुँचा है। रोज़ अप डाउन करके कोचिंग लेने आता था यहाँ पे, तो पहले शुरुआत में प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के वक्त ज्वाइन किया था क्योंकि काफ़ी सारे लोकल लॉज थे जो हमने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ने के लिए मैं यहाँ आता। तो मैम को लगा कि तू थक जाएगा, रोज़ अप डाउन करेगा, जहाँ यहाँ पर रूम ले ले। तो मैंने बोला मैम मैं नहीं, मैं गाँव जाऊँगा वापस, मेरा सारा मतलब कि एक अटैचमेंट है, मैं यहाँ पे पढ़ ही नहीं पा रहा, मेरा माहौल ही नहीं बन रहा वो वाला। तो मैम ने कहा मैं तेरे को ऑनलाइन कोचिंग दूंगी फिर स्पेशली। तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, त्रिशी मैम और दिव्या मैम का, इन्होंने मेरे को ऑनलाइन कोचिंग दी स्पेशली मेरे लिए। मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो सुबह मैं लाइब्रेरी में 7 बजे पहुँच जाता था उठ के, 1 घंटे का सफ़र था, अखनूर में पहुँचना होता था मेरे को। तो मैम सुबह 6 बजे मेरे को कॉल कर देती कि 7 बजे तेरे को लाइब्रेरी में पहुँच के वाईफाई लगा के पहुँच बैठ जाना आगे, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरे को बच्चों को भी करना है और स्पेशली मेरे को। मैं 12 बजे फ़ोन करूँगा तो मैं हिचकता था थोड़ा, मिस कॉल कर देनी जानबूझ के, क्या पता मैम 12 बजे उठाएंगे नहीं, तो फिर मेरे को आधे घंटे बाद 12:30 बजे कभी फ़ोन आया, क्या बात है बेटा मैम ऐसी ऐसी बात है। एक ऐसे फ्रेंडली नेचर बन गया था, लग रहा ही नहीं था कि मैम से बात होती है, मैम पढ़ा रहे हैं। तो हमें गाइडेंस की कमी थी थोड़ी, हार्ड वर्किंग हम करते थे, जो गाइडेंस की कमी थी वो मैम ने पूरी की। ऐसे बताया कि इन्होंने ये वो प्लेटफॉर्म देखा हुआ था, वो रोड जिस पे हम चल रहे थे ना, वो इन्होंने देखा हुआ था कि ऐसे चलना है, यहाँ पे स्पीड इतनी कम करनी है, यहाँ से टर्न लेना है तो यहाँ से स्लो हो जाना है, इस आंसर को कैसे लिखना है। तो वो मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, हार्ड वर्क हम बहुत करते थे तो लाइब्रेरी में सुबह बैठना रात को निकलना, मगर वो जो गाइडेंस की कमी थी ना, जो मैं PO में रह गया था, तो वो मैम ने हाथ नहीं छोड़ा एंड तक, मोटिवेट करते रहे। अब लैंड लॉज थे इस पेपर में, फाइनेंशियल कोड के पेपर थे, उसके लिए बिल्कुल जीरो थे, कुछ पता ही नहीं था। तो मैम ने खुद भी तैयारी की हुई थी अपने टाइम की, वही नोट्स मैम ने प्रोवाइड किए। मैम बोला मैम मेरे को 4 बजे आना है यहाँ पे जम्मू, मेरे को काम है, मैं उसी वक्त आऊँगा। तो मैम ने क्लास छोड़, क्लास का प्रोग्राम ही ऐसे बनाना कि इसको एडजस्ट करना है बीच में, इसको नहीं छोड़ना। तो मेंटरशिप का काफ़ी रोल रहा, हाँ, बहुत ज़्यादा रोल रहा। तो जितना हमारा योगदान है, जितनी भगवान की ब्लेसिंग है, इतनी गाइडेंस मिली हमें। चलिए मैं आपसे और भी बातचीत करूंगा, आकांक्षा जी के पास जाते हैं। आपको आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया। तो मेरे को तो पहले, मैं लास्ट टाइम, मेरा स्टार्टिंग से लॉ के दिनों से ही मेरा यही था कि मेरे को जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो पहली बार कब लगा? पहली बार कॉलेज के दिनों में ही, मतलब ऐसे पढ़ती थी जब तो लगता था कि नहीं, पहले तो एक ना ये बनना, अच्छा। एक तो पहले एक ना बहुत ही क्रेज भी होता है, क्रेज होता है, बट ये पहले एक मिसकंसेप्शन था कि जिसको, जो कोई फील्ड नहीं लेता है वो लॉ ले लेता है, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिली है तो वो लॉ ले लो, पहले ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता था। ज़्यादा पोस्ट भी नहीं आती थी, कुछ होता भी नहीं था, प्रैक्टिस में चले जाते थे, बट लड़कियों को प्रैक्टिस में इतना नहीं इंटरेस्ट होता था या फिर कुछ होता नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बट मेरे को था कि हाँ, जुडिशियल सर्विसेज जब होंगी, इसकी पोस्ट आएंगी तो मैं पक्का दूंगी। तो मेरा 18 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था मेरे 10th सेमेस्टर का, तो 19 को मैं यहाँ आ गई थी, मैं जुडिस लॉ इंस्टीट्यूट आ गई थी।
तो मैंने मैम से फर्स्ट टाइम मैं यहीं आई, तो मैंने यहाँ पे मैम थे दिव्या मैम, आपने जुडिशियल लॉ इंस्टीट्यूट से ली? हाँ जी, वहाँ साल कितने पूरे टाइम? बिल्कुल 2022 में, मैं अभी पास आउट भी नहीं हुई थी, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बट मैंने एडमिशन ले ली मैं इंस्टीट्यूट में कि 10th सेमेस्टर मेरा ख़त्म हुआ, मैंने बोला मेरे को कोचिंग लेनी है मम्मा को, मैंने मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मा है, तो मैंने उनको बोला मम्मा एक साल मुझे दे दो, मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा जाता है, तो फिर आप जो बोलोगे, मैं फिर LLM के लिए, मम्मा बोल रहे थे, मैंने कहा मैं कर लूँगी मास्टर्स भी। फिर मैं यहाँ पे आई तो फर्स्ट डे आके एक इतना मतलब वाइब अच्छी मिली मेरे को वहाँ पे, और ऐसा हुआ कि मैम थे उन्होंने कंफर्टेबल किया, जो वहाँ पे दिव्या मैम, त्रिशी मैम हैं हमारे, तो उन्होंने मेरे को कंफर्टेबल किया और बोला कि हमारे इंस्टीट्यूट में कि आपको हम देंगे, मतलब अभी से ही कोचिंग चल रही है तो फिर आप लोगों का स्टार्ट कर दो। फिर मैं जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग मैं ले रही थी, तो विद इन ही कोचिंग के मेरे को नवंबर में आई थिंक नोटिफिकेशन आई थी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, तो वहाँ उसमें मैम ने सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, मैम बोलते कि नहीं ये बीच में है, चांस है आप लोगों के पास तो ट्राई दे लो, तो फिर उसके लिए पढ़ते गए। फिर 2023 में उसके प्री मेंस वगैरह वो हुआ, फिर सितंबर में उसका रिजल्ट आ गया, तो सिलेक्शन हो गई, उसमें मेरी एज अ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मेरी सिलेक्शन हो गई। देखो ऐसे बच्चे हैं जहाँ एक बार सिलेक्शन हो जाती है दूसरे एग्जाम की साथ ही में तैयारी कर देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं एक बार सोचते हैं हो गया, हम जैसे भी कहीं हैं। नहीं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, माइंड में ये चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम फिर से, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होता है तो आप हमें तैयारी अपनी कांस्टेंट रखनी चाहिए हमेशा, कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कांस्टेंटली वैसा पढ़ना चाहिए। मैंने बुक्स नहीं छोड़ी अपनी कभी भी, मैं बुक्स हमेशा साथ में ही अभी पढ़ती हूँ। हाँ अभी भी पढ़ती हूँ, बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, कौन लॉ की किताबें पढ़े, वो अलग अलग सेक्शन आर्टिकल पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी, सेक्शन एक में ही हमारे मतलब जैसे IPC लगा लो, उसमें ही 511 सेक्शंस हैं सिर्फ एक IPC में, और वैसे ही कितने सब्जेक्ट्स हैं याद तो हाँ कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है रोज़। अभी जैसे मैं कोर्ट जाती हूँ तो वहाँ पे भी जैसे कोई नया कुछ पता चल जाता है तो घर आके फिर देखना पड़ता है उसमें। विकास जी से बात कर रहे थे, कह रहे थे मेरा गांव का कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग था, मैं गांव को छोड़ नहीं सकता, आपके साथ भी कुछ ऐसा है? मैं उधमपुर से हूँ तो मेरी और दूर, अच्छा दूसरी डिस्ट्रिक्ट से? हाँ जी, तो मैं उधमपुर से हूँ। नहीं मैं यहाँ पे मेरे मामू का घर था लकीली, हाँ जी कुंजवानी में, कुंजवानी से, तो फिर मेरी सिस्टर मुझे छोड़ने ले जाने आया करती थी, तो और परिवार का भी स्ट्रगल रहा। हाँ फैमिली, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2001 में, तो उसके बाद मेरी मम्मा मतलब पापा की जगह वो जॉब करते थे, तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हैं कोई, तो फैमिली में तो मम्मा ने कभी वो कमी रखी ही नहीं कि हाँ कि नहीं है पापा या फिर कुछ वैसे कभी भी नहीं हुआ। टच बन गई हो तो अभी कैसा फील कर? अभी तो वो जब मैंने उनको बताया रिजल्ट रात को आया था, ये 12 बजे, मुझे पता नहीं था, मेरे को पहले था आइडिया कि रिजल्ट आने वाला है 11 बजे के आसपास, बट मैं सो गई, मैंने कहा मुझे सुबह ऑफिस जाने, मैं तो सो रही हूँ, तो 12 बजे का रिजल्ट आया हुआ था। मुझे सुबह कॉल आता है तो मेरी फैमिली से ही, तो उनका आता है तो मैं देखती हूँ कि मेरे को मैसेजेस आए हों कंग्रेचुलेशंस, मैं चिल्लाई, मैंने कहा मम्मा मैं जज बन गई, मम्मा भागते भागते आए अंदर, तो मम्मा लेट ही गए, बिल्कुल जैसे टेंशन फ्री होती है ना, बिल्कुल जैसे सुकून की हाँ पूरी लाइफ का स्ट्रगल जो है वो कम्प्लीट हो गया, अचीव कर लिया उन्होंने सब, तो बस वैसे ही रहा और बहुत ज़्यादा खुश है। उनको तो सुबह उठ के रोज़ ऐसे बिलीव नहीं होता कि हाँ कि ये हो गया है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा दोनों से रहेगा, चलिए आप इसे शुरुआत करते हैं। हाँ बीइंग ए जज ऐसा माना जाता है आपको दोनों फेस देखने पड़ते हैं कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो क्या आपकी अप्रोच रहेगी, क्या कुछ आपको लगता है कि यंग हैं आप, एनर्जेटिक हैं और हार्ड वर्क आपका काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, परिवार से आए हैं, परिवार का स्ट्रगल है, तो क्या अप्रोच रहेगी जो आपको लगता है कि आज की डेट में नहीं है लेकिन आपके आने के बाद आप कोशिश करेंगे? सर सबसे पहले तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना एक वो चाहिए, एनकरेज करना चाहिए हर एक इंसान को कि पढ़ना है। कम एनकरेजमेंट अभी नहीं होता, अभी इतना नहीं है, मुझे लगता है इतना नहीं है, और कभी वो करते हैं कि नॉर्मली वो रहेंगे, नॉर्मली पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा वो नॉर्मली क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो एस्पायर कर रहे होंगे कि आपकी तरह जज बने या किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो थोड़ा ब्रीफ करेंगे। अब जैसे कोई बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो अपने स्कूल डेज में तो सबको सोचते हैं कि हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, तो बट जज बनेंगे वो नहीं बोल रहे, जज बनेंगे बिल्कुल, तो बट उनको ये नहीं पता होता है कि कैसे,
किस तरीके से वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम ले लेंगे परसेंटेज वो ले लेंगे। कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही उसकी तरफ होते हैं, जैसे डॉक्टर बनना है तो बिल्कुल ही खुद को इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं, बिल्कुल ही ऐसे कुछ खाते नहीं हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, बट उतना भी वैसा नहीं। ये जो इनके फ्रेंड्स हैं ना जो उनका जिक्र कर रहे हैं, देखिए आपके बारे में बता रहे हैं बिल्कुल ही वो मतलब ऐसे कर देते हैं कि खुद को बंद कर देना, वैसे भी इतना नहीं करना चाहिए, हमें हर एक चीज़ को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो अभी जैसे हमें स्टार्टिंग से ही हमें माइंड क्लियर होना चाहिए कि नहीं हमें कभी पढ़ना छोड़ना नहीं है, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें पढ़ाई आ जाएगी ना उसकी वैल्यू और रिस्पेक्ट पढ़ाई की ही होती है, एक इंसान की वैल्यू उसकी पढ़ाई से, कि हाँ अगर हम कहीं जाते हैं वो देखते हैं कि अच्छा यार ये पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा बंदा है तो इससे मतलब बिल्कुल बच के भी और बिल्कुल मतलब रिस्पेक्टफुल बात करनी है और एकदम अपनी सारी चीज़ें ध्यान में रख के। तो इसलिए हमें फोकस्ड रहना है हमेशा। और मेरे इसमें मेरे लिए तो ये लाइफ में रहा है कि मेरे को गाइडेंस मिली है मेरे को मेरे इंस्टीट्यूट से, वो बहुत बड़ा हाथ है मेरे इसमें अचीवमेंट में। गाइडेंस का बड़ा हाथ रहता है और बच्चों के पास नॉलेज होती है लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कैसे एग्जीक्यूट करना है तो गाइडेंस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। सुन लो आप भी और ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। विकास जी के पास जाते हैं, विकास जी क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप बीइंग ए जज? आप भी अभी जज अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है, तो क्या बदलाव देखेंगे कि यंग है आप एनर्जेटिक हैं और आप गांव का जिक्र कर रहे हैं तो क्या बदलाव देखेंगे? देखिए जी पहले जब इस फील्ड से उठ के कोई आए ना तो सबसे पहले दूसरों को मोटिवेशन मिलती है, बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं। तो अब जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो रहे हैं ना उसमें बच्चे आ रहे हैं काफ़ी, उनमें वो देख रहे हैं कि हमें भी कुछ बनना है, तो वो जब सुन रहे हैं ना हमें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि अगर ये पहुंच सकता है, ये हमारे साथ खेलता था कल, यही गांव में रोज़ अप डाउन कर रहा है, मेहनत की इसने, तो क्या हम नहीं पहुंच सकते? हम डाइवर्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बच्चे। तो वो फ्रस्ट्रेशन जब वो सोचते हैं यार अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ये मेहनत कर सकता है गाँव से उठ के रोज़ अप डाउन करके, लाइब्रेरी में 4 साल से बैठा हुआ है, हम क्यों नहीं? लाइब्रेरी जाते? हाँ जी मैंने 4 साल टाइम डिवोट करते मैं सुबह 9 बजे पहुंचता था जी, तो अगर मैम की क्लास होती तो फिर 7 बजे पहुंचना पड़ता था, तो रात को 11 भी बज जाते थे, 12 भी बज जाते थे, तो 12 बजे कभी 1 भी बज जाना, यानी 14 से 16 घंटे। हाँ 16 घंटे, पेपरों में तो 18 घंटे भी हो जाते थे। तो वो जो मोटिवेशन पहले तो यही था कि कुछ करना है कि दूसरे भी मेरे से मोटिवेट हों, कि गाँव का जो यूथ है ना जो हमारे एरिए का या सिटी कोई भी हो स्टेट का, वो भटके ना किसी और फील्ड में ना चले जाए, गलत काम में ना घुस जाए। इशारा ड्रग्स की हाँ, तरफ है, वही वही इशारा उसी की तरफ कर रहा। अगर आप 16 घंटे 14 घंटे एक चीज की तरफ डिवोटेड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें होंगी। आपका फिर वो टारगेट बन जाता है ना, वो कहते हैं ना कि महाभारत में जो मछली की आंख अर्जुन ने रखी थी, तो फिर आपका निशाना ही वही रहता है, दूसरी तरफ आप जाते ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल था, क्योंकि हमें गाँव में सिखाया यही जाता है कि जिस तरफ लगो फिर खाली हाथ नहीं वापिस आओ। अगर घर से निकल गए कुछ काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के 2 बार इंटरव्यू में आउट हुआ, केएस का मेंस लिखा, लगता था कि हो जाना है, कॉन्फिडेंस बहुत था कि इस बार तो होगा ही, उम्मीद नहीं छोड़ी, वही निशाना नहीं छोड़ा, खाली हाथ नहीं जाना वापस घर में लौट के। इम्प्रूवमेंट की कहाँ गलत हूँ अपने वीकनेस पे। तो मेन जो आपने शुरुआत की थी क्वेश्चन, क्या देखना चाहता हूँ, मेरा बस यही सपना है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो गलत तरफ ना जाएं, क्योंकि हम देखते हैं उनको, तो जब हम कुछ होते नहीं ना बने हुए तो वो सुनते नहीं हमारी आवाज़, आज वो सुनेंगे और उनको सुननी भी चाहिए क्योंकि इस तरफ नहीं जाना। अगर एक भी बच्चा हमें सुनकर मोटिवेट होकर गलत लाइन छोड़ के सही रास्ते पे आ गया ना तो हम सक्सेसफुल हैं। विकास जी ने बहुत बड़ी बात की है मैसेज में कि जब हम अपनी एनर्जी को डिवोटेड करते हैं और महाभारत की अर्जुन की एग्जाम्पल दी जहाँ पे मछली की आँख की तरफ निशाना लगाते हैं, तो घर से जब निकल जाए एक बार तो चाहे जितनी बार मर्जी आप अनसक्सेसफुल रहें लेकिन ज़रूर एक बार सक्सेसफुल बन जाओगे अगर आप अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहोगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बाकी जो आज की डेट में ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं वो नहीं होंगे। मैम आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा युवाओं को, खासकर गर्ल्स को? गर्ल्स को तो थोड़ा हार्ड रहता है, मतलब आपसे थोड़ा सा अलग भी हट के डिस्कशन है, हार्ड रहता है गर्ल्स के लिए? हार्ड तो बिल्कुल रहता है, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि लड़की की, चलो पहले था कि 12th की इसकी शादी करवा दो,
बट फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ कि चलो ग्रेजुएशन करवा देते हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, शादी करवा देंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें, मतलब हर एक पेरेंट को अपनी, स्पेशली लड़कियों को, लड़कों को तो चलो लड़कों कुछ ना कुछ कर लेते हैं, एक ऐसे होता है, बट लड़कियों को स्पेशली उनको बोलना चाहिए कि पहले आपको कुछ बनना है, इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना है, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। कि और एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये मोटिवेट करना चाहिए हर पेरेंट को, ये करना है कि आपको पहले पढ़ना है, कुछ बनना है, फिर उसके बाद देखेंगे आपके फ्यूचर का, आपकी इसका कुछ नहीं। गर्ल्स को पहले पढ़ना है, बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, फिर बाकी चीज़ें, फिर बाकी बात। तो अभी लड़कों आप भी कर लो कुछ तैयारी, ये आपके लिए भी एक मैसेज है। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा आपका? अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की जो 120 थे उसके कैंडिडेट्स, उसमें से 116 का हुआ था, उसमें से ऑलमोस्ट 60-70% जो है वो फीमेल्स हैं। और अभी इसमें जुडिशरी में भी 69 पोस्ट थी, उसमें से भी कुछ अराउंड 40 तो लड़कियां ही हों, मोर देन 50% जी सिर्फ लड़कियां ही हैं। तो इससे सामने पता चल रहा है कि हमारी सोसाइटी हो रही है चेंज, बहुत चेंज आ रहा है, लड़कियां जो है वो अवेयर हो गई हुई हैं कि नहीं, हमें पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। तो मैं यही मैसेज दूंगी हर एक इंसान को जो आज हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, कि फोकस्ड रहना है। मतलब अगर आप कहीं, चलो आपका रह भी जाता है, जैसे सर विकास सर ने बताया, अगर रह भी जाता है तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना, हमें बोलना है कि हमें डबल, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हो गए होते हैं कि अच्छा इस बार हमारी ये रही है थोड़ी कमी, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो कभी भी हमें उसमें हार नहीं माननी है, हमेशा हमें फोकस्ड रहना है और बस कंटिन्यू करते रहना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, हार नहीं माननी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। चलो ऑल द बेस्ट आप दोनों को, जज साहब विकास जी और आकांक्षा जी, और होपफुली अभी ये जो जज बन चुके हैं और बड़े डिसीजन जो है इन्हीं की कलम से लिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो कही है विकास जी ने, कहा गांव से आए हैं और कभी भी अपने आप को हारता हुआ नहीं मानना है, चाहे जितनी बार मर्जी आप अनसक्सेसफुल रहें, कंपटीशन में रहें, इम्प्रूव करते रहें, ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। और आकांक्षा जी ने तो साफ तौर पर कहा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है गर्ल्स के लिए, और बाकी जो मैसेज दिया कि अगर आप फोकस्ड हैं तो कामयाबी आपके जो है वो ज़रूर मिलेगी। इस सारी मनोकामना के साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि कंग्रेजुलेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहें ग्रेट जम्मू। कैमन सिंह साहब, मैं पंकज मीडिया, जय हिंद।